हेलो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं जेई मेन 2023 का फिजिक्स का शायद जो बेस्ट क्वेश्चन था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन ये कहता है कि ए सिंगल करंट कैरिंग लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट आई फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज यू कैन सी इन द डायग्राम एंड दिस लूप इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन दिस एक्सेस इज अलॉन्ग देड डायरेक्शन सो द प्लॉट ऑफ जे कैप कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वाई मतलब वाई कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का हमें प्लॉट बनाना है एट ए डिस्टेंस ए विच इज लेस देन द रेडियस ऑफ कॉल यहाँ पे इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा उसका ग्राफ हमें बनाना है अब ये सोचने में क्वेश्चन बड़ा जो है अनयूजल लगता है क्योंकि इस रिंग से रिलेटेड जो एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है वो यही होता है कि भाई इसके एक्सेस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ठीक है ना इसके एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और वो भी एक्स इसके एक्सेस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड आता है तो तुम्हें ध्यान होगा ये वाला रूल है ठीक है ना राइट हैंड हम रूल इसके अलोंग उसके अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में आता है अब इस क्वेश्चन में एक्सेस के अलावा डिफरेंट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है पहली बात तो ये और वो भी मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट पूछा है तो अब देखो ऐसी सिचुएशन में हमें सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चारों ऑप्शन ग्राफ हो जैसा कि इस क्वेश्चन में है इन दैट सिचुएशन मेथड ऑफ एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट मेथड क्योंकि एक ग्राफ को एलिमिनेट करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि भाई ज़ीरो पे क्या हो रहा है है ना स्लोप कैसी है वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है ग्राफ कंटिन्यूअस है या डिसकन्टीन्यूअस है डिफ्रेंशियबल है कि नहीं है इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन तुम्हारे पास होते हैं जिससे कि तुम ग्राफ वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो ठीक है तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ी क्रिएटिविटी हमें और भी चाहिए क्योंकि y कंपोनेंट के लिए दरअसल हमारे पास एज सच सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई फॉर्मूला है भी नहीं लेकिन देखो अगर तुम रिकॉल कर सको कि भाई ऐसी सिचुएशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कैसा था तो वो डायग्राम तुमने ज़रूर देखा होगा अगर ये करंट कैरिंग लूप में ले रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ कोर्स एक्सेस के अलॉन्ग तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है उसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं फॉर एग्जांपल एक मान लो ये ए वाले डिस्टेंस से ऐसे पास होगी तो ये फील्ड लाइंस हम इस तरीके की समझ सकते हैं इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं ये तो मैं आइडिया होगा ठीक है ना इसको मैं यहाँ से थोड़ा रब कर दूँ थ्री इफेक्ट सही आएगा ठीक है ना ये है सो so, इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं हम और बना सकते हैं लाइक दिस ठीक है ना इस तरीके से ऐसे क्लोज भी होती हैं कई क्लोज होती हैं फील्ड लाइन्स ऐसे ठीक है तो अब ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसकी हेल्प से तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड के वाई कंपोनेंट का ट्रेंड पता चल जाएगा पहली बात तो ये देखो कि z इक्वल टू ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो Z के अलॉन्ग है Y कंपोनेंट जीरो है सो द ग्राफ मस्ट पास थ्रू पास थ्रू ओरिजिन ओरिजिन से ये ग्राफ डेफिनेटली पास होगा तो इस बेसिस पे हम ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों चॉइसेस डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इन पे क्या हो रहा है कि Z इक्वल टू ज़ीरो पे बी वाई की वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही है ठीक है ना उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि जब हम z की पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रहे हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है ऊपर वाली डायरेक्शन में है जब हम z की नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का y कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है ठीक है ना भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टेंजेंशियल होगी सो इसके हिसाब से क्लियरली जो चॉइस है वो b है चॉइस d में ग्राफ दोनों तरफ पॉजिटिव है इसलिए ये नहीं हो सकता ये वाला करेक्ट आंसर है लेफ्ट की तरफ वाई कंपोनेंट नेगेटिव इसके अलावा भी हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई वाई एग्जैक्टली दिस ट्रेंड की भाई ये ऊपर जाके नीचे क्यों आ रहा है तो वो हम ऑफकोर्स यहां पे तो वैल्यू जीरो है ही हम जानते हैं फार अवे पॉइंट्स पे जब हम चले जाएंगे तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही जीरो होने लगती है जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो रही है तो ऑब्वियसली उसका वाई कंपोनेंट जो है वो भी जीरो होगा सो so, यहां पे जीरो है यहां पे जीरो है इन बिटवीन जीरो नहीं है सो ऑब्वियसली इट विल पास थ्रू ए मैक्सिमा एज शोन सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यू डोंट नीड अ फॉर्मूला फॉर इट जस्ट फॉलो दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन यू शुड नो दिस डायाग्राम ये डायाग्राम से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थैंक यू